और भैया जी कैसे हैं? देखिए कहानी बनानी नहीं पड़ती, वो खुद बन जाती है। Hey, what's up, public? This is Akash back again with a new video. मेरे को भी सिखा दो यार, मेरे को एक इंट्रो बनाना है। का वीडियो जो है बहुत स्पेशल है, क्यों बोल तो आज ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं अपन लोग जो अपने वीडियोस को ना बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं और खूबसूरत तरीके से अपने वीडियो को नरेट करते, तो वो और कोई नहीं कैमरा वाले भैया है। तो कैमरा वाले भैया परसों हैदराबाद को आए और आज मीटअप लगाए उन्होंने चार मीनार के पास सुबह 7 बजे, तो मिलना तो बनता है। आ गया अपन चार मीनार के पास, अब बस कैमरा वाले भैया के लिए इंतजार है। सामने ही भाग्यलक्ष्मी माता का मंदिर है। मेरे पैर पूरे कांप रहे हैं, मैं कल रात से बहुत खुश भाई। सबसे पहले घर जाके सो लेना। हाँ भाई जरूर, ठीक है, एडिट मत करने बैठे अच्छे से काम करते हैदराबादी चैनल का। अच्छा, आकाश दीप हैदराबाद, आकाश दीप हैदराबादी, आकाश दी हैदराबादी। और इंट्रो भी नहीं बोलूं, हम फिर आके इंट्रो बोलने के लिए। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हे व्हाट्स अप पब्लिक, दिस इज आकाश बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरे को भी सिखा दो यार, मेरे को एक इंट्रो बनाना है। एक बार बोल दो भाई आप। तो भैया जी कैसे हैं? बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा लगा और एकदम कत्ल कर दिया सर। व्हाट्स अप पब्लिक, दिस इज आकाश, आपका नाम बोल दो। दिस इज सोमेश, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। Hey, what's up public? This is Somesh, back again with a new video. I love you. I can't stand to see you sad, baby. It drives me mad. मेरे को ये पता नहीं चलता कि पहले कहानी डिसाइड करके शूट करना है या शूट करने के बाद उसको लिंक करते हुए कहानी बनाना। देखिए कहानी बनानी नहीं पड़ती, वो खुद बन जाती है। ठीक है, मैं कभी भी ये सोच के नहीं चलता कि यार मुझे ये कहानी बनानी है तो मैं ऐसे करके शूट करूंगा, तो कभी कहानी बनाओ मत। आप जो हो रहा है उसको कैप्चर करो, ये आपका काम है। आप टू डॉक्यूमेंट योर स्टोरी, आप अपनी स्टोरी को डॉक्यूमेंट करो एंड लेटर ऑन जब आप बैठोगे सारी क्लिप्स लेके बैठोगे एंड देन जस्ट आप एडिट कर रहे होगे, तब जब आप गो थ्रू करोगे हर एक क्लिप से, हर एक वीडियो से, हर एक मूवमेंट से जो आपने कैप्चर किया है उसको जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में एक स्टोरी खुद डेवलप होगी कि अच्छा इसको मैं इस तरीके से एक फ्लो दे सकता हूँ। तो हाँ, मैं पहले ये चीज़ दिखाऊंगा एंड देन फिर मैं ये दिखाऊंगा और मैं एंड ऐसे करूँगा। क्या चीज़ें दिखानी है क्या चीज़ें नहीं वो आप पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से आप स्टोरी को बना सकते हैं। तो कहानी कभी ये सोच के मत शूट करो कि मुझे ये कहानी बनानी है, हमेशा ये सोचो कि मुझे सब कुछ कैप्चर करना है एंड देन उससे एक कहानी निकालनी है। का पहला मीटअप बनारस के घाट पे था, तो आपको कब लगा कि मैं मीटअप लगा सकता हूँ? आप पहले बोले थे कि आप इंट्रोवर्ट थे, तो आपका डर कब गया और आप कब सोचे कि ये टाइम आ गया है कि मेरे को अब मीटअप करना है? अच्छा, मेरे को याद है मेरा पहला मीटअप था इंडिया गेट पे। अच्छा। इंडिया गेट पे मैंने लॉन में रखा था, उस समय मैं सिर्फ फोटोग्राफी करता था, यूट्यूब नहीं था मेरा, और 3-3.5 साल हुआ था मुझे फोटोग्राफी के। मेरे पे मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स थे एंड यू वोंट बिलीव 200 लोग आ गए। इसलिए मैंने अभी तक दिल्ली में मीटअप नहीं किया है, मुझे डर लग रहा है कि भाई भीड़ ना हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो 200 लोग आ गए थे और मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो और मैं अकेला मतलब उसको मैनेज नहीं कर सकता, तो वो मेरा पहला मीटअप था। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि हम आपको हमने इतनी बार देखा यमुना घाट पे, हमने सोचा कि इस बार भी मिलेंगे आपसे। और भैया जी कैसे हैं? सुबह आप लोग आए तो एक तो सबसे पहले तो अपने लिए एक तालियां बजाएं क्योंकि इतनी सुबह आना है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, आ गए, मिल लिए कैमरा वाले भैया से और बहुत सारा मोटिवेशन दिए। तो यहाँ पर अभी ऑटोग्राफ और फोटो सेक्शन चल रहा कैमरा वाले भैया के साथ। थैंक यू आप लोग आए, शांति दिक्कत हो जाएगी। आज का वीडियो जो है अपन यही को एंड करते हैं और कैमरा वाले भैया से मिलके, सोमेश पांडे जी से मिलके बहुत मज़ा आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का वीडियो अपन यही को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।